नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। विशेष में आज हम बात करेंगे भारत और ईरान के बीच समझौतों की। 15 साल तक जिस समझौते का इंतजार दोनों देशों को था, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईरान यात्रा के दौरान अमली जामा पहना दिया गया। इन समझौतों का सीधा असर दोनों देशों के संबंधों पर पड़ेगा। भारत ईरान के चाबहार बंदरगाह के विकास में निवेश करेगा। इस बंदरगाह के शुरू हो जाने के बाद भारत सीधे यूरोप और मध्य एशिया से संपर्क और व्यापार कर सकेगा। भारत को पाकिस्तान के एक क्षेत्र के इस्तेमाल की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो शुरू करते हैं विशेष ईरान के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ईरान दौरा कई मायनों में अहम रहा। इस दौरान 12 अहम समझौते हुए, जिससे दोनों देशों के बीच रिश्तों में और मजबूती आई। दोनों देशों के बीच करार से भारत के लिए मध्य एशिया के बंद दरवाजे खुल गए हैं। इस ऐतिहासिक पल का भारत और ईरान को पिछले 15 साल से इंतजार था। दोनों देशों के प्रमुखों ने जब एक दूसरे से हाथ मिलाया तो दोस्ती और रिश्तों की एक नई मिसाल दुनिया को देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय ईरान दौरे के दौरान 12 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इनमें चाबहार समझौते को लेकर खासी चर्चा है। चाबहार से भारत न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि मध्य एशिया और यूरोप तक संपर्क कायम कर सकेगा। चाबहार पोर्ट और इसकी बुनियादी संरचना विकसित करने के लिए फिलहाल भारत $50 करोड़ निवेश करेगा। इस प्रोजेक्ट के विशेष नियमों के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए गए। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बड़े प्रयास से आर्थिक विकास में तेजी आएगी। The outcomes and agreements signed today open a new chapter in our strategic partnership. The welfare of our people is guiding our broad-based economic ties. भारत और ईरान के समझौते से सबसे ज्यादा परेशानी पाकिस्तान और चीन को है। इसकी वजह है कि इससे भारत के यूरोप जाने तक में पाकिस्तान पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। Now by opening this chabahar, we can go directly up to Afghanistan and after Afghanistan to Russia. Now the presently we have go to Afghanistan, only one route available through Pakistan. So this is a strategic point of view is very important for the India. चाबहार बंदरगाह से 70 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को चीन विकसित कर रहा है। नया माहौल, एक नई इबारत देखने को मिल रही है भारत ईरान संबंधों की प्रधानमंत्री की इस यात्रा के बाद, और ईरान में भी काफ़ी गर्मजोशी दिखाई दे रही है, क्योंकि भारत ने जिस तरह से बढ़ चढ़ कर के ईरान के साथ संबंध बनाने थे वो अभी तक हो नहीं पाया था, इसलिए उम्मीदें काफ़ी जगी हैं। चाबहार के अलावा ईरान भारत में एल्यूमिनियम कारखाना लगाएगा, साथ ही अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुँचने के लिए रेलवे लाइन भी बिछाएगा। दोनों देशों ने अर्थव्यवस्था, व्यापार, परिवहन, पोत विकास, संस्कृति, विज्ञान और अकादमिक सहयोग के क्षेत्र में भी समझौते किए हैं। भारत और ईरान ने आतंकवाद को क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बताया और खुफिया सूचनाएं साझा करने पर सहमति जताई। एक्सपांडेड ट्रेड टाइज, डीपर कनेक्टिविटी इंक्लूडिंग रेलवे, पार्टनरशिप्स इन ऑयल एंड गैस सेक्टर, फर्टिलाइजर्स, एजुकेशन एंड कल्चर स्फीयर आर ड्राइविंग अवर ओवरऑल इकोनॉमिक एंगेजमेंट्स। भारत और ईरान के बीच समझौते से दोनों देश तेजी से विकास में एक दूसरे की मदद कर पाएंगे। इन समझौतों की दुनिया भर में चर्चा हो रही है। कुर्बान अली, राज्यसभा टीवी, तेहरान। दक्षिण पूर्व ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में बसा चाबहार, भारत यहीं से यूरोप तक पहुंचना चाहता है। फारस की खाड़ी के बाहर बने इस बंदरगाह तक भारत के पश्चिमी समुद्री तट से पहुंचना आसान है, और यही वजह है कि भारत इस परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करना चाहता है।
कई सालों से अधर में लटकी चाबहार बंदरगाह परियोजना अब रफ्तार पकड़ने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दो दिवसीय ईरान यात्रा के दौरान इससे जुड़ा समझौता हुआ। इसे भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत ईरान में चाबहार बंदरगाह का विकास कर रहा है और इस परियोजना के जरिए मध्य एशिया में व्यापार की नई संभावनाएं देख रहा है। चाबहार के पूरा होने पर भारत को कई सहूलियतें मिलेंगी। भारत से इस बंदरगाह तक माल पहुंचाने में होने वाला खर्च आधे से भी कम हो जाएगा और वक्त भी एक तिहाई कम लगेगा। बंदरगाह के पूरा होने पर भारत को ईरान में पैर जमाने का मजबूत आधार मिल जाएगा और कारोबार के लिहाज से पाकिस्तान पर निर्भरता कम होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समझौते को ऐतिहासिक करार दिया है। फ्रेंड्स, लेटर टुडे वी आर गोइंग टू साइन द ट्राइलेटरल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट एग्रीमेंट विद पार्टिसिपेशन ऑफ ईरान, इंडिया एंड अफगानिस्तान। هندوستان در توسعه بندر چابهار و تجهیز آن و همچنین اعتباراتی که برای بندر چابهار از طرف هندوستان مد نظر هست. فیلحال بھارت کو مدھی ایشیا میں کوئی بھی سامان بھیجنے کے لیے پاکستان کے اس شیطر کا استعمال کرنا پڑتا ہے، لیکن چابہار پریوجنا پوری ہونے کے بعد افغانستان، روس اور یوروپ تک भारत बिना किसी रोक टोक के सीधी पहुंच बना लेगा। चाबहार मुक्त व्यापार के जरिए 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश का अनुमान है। केंद्रीय सड़क परिवहन और जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी ने इस बंदरगाह के 18 महीने के रिकॉर्ड समय में पूरा होने की उम्मीद जताई। Now my feeling is by after starting this Chabahar port and agreement between the Afghanistan, India and Iran, there are lot of projects which are already important projects for all the countries, and I feel that by signing this agreement, this era of development will start, and in future also we will think about all these project which are very much useful for India and for Iran, for both. इस बार प्रधानमंत्री की इस यात्रा में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं और उनमें जो 12वां सबसे महत्वपूर्ण समझौता है वो चाबहार को लेकर के है। चाबहार में जो बंदरगाह बन रहा है उसके निर्माण के लिए भारत ने अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है। प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है कि वो इसके लिए $500 मिलियन की राशि उपलब्ध कराएंगे। चीन के लिहाज से ये भी समझौता भारत के लिए काफ़ी अहम है। चीन भारत पर दबाव बनाने के लिए पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट का इस्तेमाल कर रहा है, साथ ही वो ईरान और अमेरिका के खटास भरे रिश्तों का भी फायदा उठाना चाहता है। ऐसे में जानकार चाबहार समझौते को चीन का जवाब मान रहे हैं। ग्वादर पोर्ट को चीन ने वो किया है और एक तरह से अरब सागर में अपनी उपस्थिति और हमको घेरने की मंशा है वो। उसका जवाब हम चाबहार में ईरान के साथ संपर्क करके दे सकते हैं। पुराने कूटनीतिक उसमें देखें तो इसको कहते हैं मंडल सिद्धांत, कि आपका दुश्मन जो है, आपके पड़ोसी दुश्मन है, तो उसके उस पार के पड़ोसी को अपना दोस्त बनाइए, जो हमने किया है। 2003 में भी भारत और ईरान चाबहार के विकास पर सहमत थे, लेकिन पश्चिमी देशों ने परमाणु कार्यक्रमों का हवाला देकर ईरान पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसके बाद बात आगे नहीं बढ़ पाई। अब विश्व समुदाय से समझौते के बाद ईरान से प्रतिबंध हटा लिया गया है। ऐसे में भारत की कोशिश है कि वो ईरान से कारोबार को बढ़ाए। कुर्बान अली, राज्यसभा टीवी। जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी ने भारत और ईरान संबंधों को लेकर राज्यसभा टीवी से खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि जो 12 अहम समझौते हुए हैं उसका दोनों देशों के संबंधों पर क्या असर पड़ेगा। हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी। नितिन जी, मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री का जो ये दौरा हो रहा है, पिछले 15 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला द्विपक्षीय ईरान का दौरा है, और इस बीच ईरान भी काफ़ी संकटों के दौर से गुजरा है, उस पर आर्थिक प्रतिबंध रहे हैं। अब जो भारत ईरान संबंधों की एक नई इबारत लिखी जा रही है, किस रूप में देखते हैं आप उसे? देखिए, बहुत ऐतिहासिक है और दोनों देश के भविष्य के लिए
बहुत उपयोगी है। जो ईरान की स्ट्रेंथ है वो हमारे वीकनेसेस है, जो हमारी स्ट्रेंथ है वो ईरान के वीकनेसेस है। हमारे पास पेट्रोलियम और गैस की कमी है, इनके पास पेट्रोलियम गैस बहुत बड़े प्रमाण पर और सस्ते रेट में अवेलेबल है, और इसीलिए मुझे लगता है हमारा पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज, फर्टिलाइज़र, केमिकल इंडस्ट्री, इनके लिए एक बहुत बड़ा वरदान होगा। तो मुझे लगता है कि ये हमारे दोनों देशों के लिए विन विन सिचुएशन है। सेकेंड थिंग, जो पोर्ट हम बना रहे हैं 18 महीने में बनाएंगे, और इस पोर्ट में 2 साल का मॉनिटरिंग पीरियड है और 10 साल हमारे पास ये पोर्ट रहेगा। पर आगे इसी पोर्ट से हम अफगानिस्तान तक रेलवे लाइन भी बन रही है, फिर यहाँ से रोड भी बनेंगे, तो हम लोग अफगानिस्तान और रशिया के लिए भी हमारा व्यापार एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का यहाँ से खुला हो जाएगा। ये गेटवे जो ओपन हुआ है, ये डायरेक्ट हमको यूरोपियन राष्ट्रों तक अब हम इसमें इस रूट से जा सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि अफगानिस्तान से हमारा ट्रेड बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। गडकरी जी, एक समय था जब ईरान से गैस पाइपलाइन की बात हुई थी, वो योजना फिर शायद खटाई में पड़ गई। उसके बाद अब तुर्कमेनिस्तान से भारत पाकिस्तान होते हुए गैस पाइपलाइन की बात की जा रही है, और साथ ही साथ आप जो चाबहार की बात कर रहे हैं उससे सेंट्रल एशिया के बहुत सारे देशों को एक व्यापारिक रास्ता, कॉरिडोर मिल रहा है। इस बीच ईरान, अफगानिस्तान और भारत के बीच भी एक कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है, इकोनॉमिक कॉरिडोर की, उसका क्या महत्व होगा? देखिए, इसका बहुत बड़ा महत्व होगा। अब कहिए कि ये बहुत दिनों से सभी प्रकार की बातें जो थी ये केवल इम्प्लीमेंट नहीं हो रही थी, चर्चाएं में थी। अब अनेक विषयों पर निश्चित रूप से विकास की अनेक योजना परियोजनाओं पर अब चर्चा होगी, और मुझे लगता है दोनों देशों के लिए ये बहुत उपयोगी होगा। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को भी मजबूती देने की बात हो रही है। हालांकि कहा जाता है कि भारत और ईरान के जो रिश्ते हैं वो सैकड़ों साल पुराने हैं, सदियों पुराने हैं, लेकिन हाल के वर्षों में जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बनी थी उसके कारण शायद दोनों देशों के रिश्तों में एक तरह की शिथिलता आई थी, कमी आई थी, उसको किस तरह से आप बढ़ावा? देखिए, हमारी इतिहास, संस्कृति, विशेष रूप से संस्कृत और पर्शियन का रिश्ता, इन सब बातों को ध्यान में लेकर निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे पुराने सांस्कृतिक रिश्ते जो थे उसके कारण दोनों देशों के बीच में एक नैसर्गिक प्रेम है, और मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक बार एक नए इतिहास की शुरुआत हो रही है, ये रिश्ता और मजबूत बनेगा। और वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच हुए समझौतों के बारे में। कलम गवाह है में इस बार देखिए मलयालम मनोरमा के प्रधान संपादक मामन मैथ्यू से बातचीत का दूसरा भाग। I have demolished the theory that owners cannot be professional. If you agree to paid news, it is better the journalists give up the pen or the mouse or whatever it is and sit at home and enjoy. कलम गवाह है, शेष संपादकों से संवाद सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। फिल्मों की मशहूर कास्टिंग डायरेक्टर श्रुति महाजन। कास्टिंग जो है ये प्रोसेस में बहुत इंजॉय करती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है जब मैं एक्टर से मिलती हूँ और एक एक एक्टर को कास्ट करती हूँ। आई लिव विद देम। जब मैं ऑडिशन लेती हूँ उस कैरेक्टर के लिए, तो वो प्रोसेस जो होती है, वो जर्नी जो होती है, वो बहुत इंजॉयबल होती है। कास्टिंग डायरेक्टर आप तभी बनिए जब आप फील करते हैं कि आप इस प्रोफेशन के लिए पैशनेट हैं। कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो। हाय, मेरा नाम है श्रुति महाजन, आप मुझसे मिल सकते हैं प्रोग्राम गुफ्तगू में सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच ऐतिहासिक त्रिपक्षीय समझौते पर भी हस्ताक्षर हुए।
इस करार से तीनों देशों को आर्थिक मजबूती मिलने की उम्मीद है। साथ ही आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोतरी से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईरान यात्रा कई मायने में महत्वपूर्ण रही। उन्होंने ट्वीट में कहा कि ईरान दौरे का दोनों देशों के रिश्तों पर सकारात्मक असर होगा। चाबहार बंदरगाह के विकास से जुड़े द्विपक्षीय समझौते के अलावा भारत, ईरान और अफगानिस्तान ने परिवहन और ट्रांजिट कॉरिडोर से जुड़े एक त्रिपक्षीय समझौते पर दस्तखत किए। टुडे वी आर ऑल विटनेसिंग क्रिएशन ऑफ हिस्ट्री नॉट जस्ट फॉर द पीपल ऑफ आवर थ्री कंट्रीज बट फॉर द एंटायर रीजन। जानकर इस समझौते को तीनों देशों के बीच संबंधों का वसंत करार दे रहे हैं। इस मौके पर ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कहा है कि ये समझौता किसी देश के खिलाफ नहीं बल्कि विकास के लिए है। तस्मीम امروز و توافق امروز بر علیه هیچ کشوری نخواهد بود و اون چه فعالیت سه کشور هست। राष्ट्रपति अशरफ गनी ने भी अफगानिस्तान में स्थिरता पर भरोसा जताने के लिए सभी का शुक्रिया अदा किया। I thank them because they believe that Afghanistan is going to be stable and they are wagering on our stability, not on our destruction. परिवहन और ट्रांजिट कॉरिडोर के कायम होने के बाद उम्मीद की जा रही है कि इन कोशिशों से तीनों देशों को आर्थिक बढ़त मिलेगी। साथ ही युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया होंगे, इससे उन्हें कट्टरपंथ की तरफ बढ़ने से रोका जा सकेगा। साथ ही स्थानीय नागरिकों को भी इसका भरपूर फायदा मिलेगा। कुर्बान अली, राज्यसभा टीवी। भारत में ईरान के राजदूत गुलाम रजा अंसारी ने राज्यसभा टीवी से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि समझौते से दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत होंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि भारत के आर्थिक विकास के लिए ईरान एक बड़ा बाजार है। We have with us today Iran's ambassador to India, Mr. Ghulam Reza Ansari, and we are going to talk to him about the Indo-Iran cultural ties as well as economic cooperation. Main objective of his visit is given has been told that to strengthen the economic cooperation as well as centuries old cultural relation. So what is your view about this? First of all, I am sure all Indians as well as Iranians know about the relation between Iran and India, which goes back to centuries ago. And I can say that the relation between Iran and India are very sentimental relation. And I think that's the best asset for two countries to rely on that and to go ahead with other cooperations in economic field, political and other possibilities between two sides. And so there's a talk about a special Iran-India economic corridor. What is this? As I told you, India as a developing country is looking for new markets, and Iran can be a very good corridor for the Indian goods to Afghanistan, to Central Asia, as well as Russia, and vice versa. Russian goods as well as these Central Asian countries' goods can go to India. So Iran can be a very good corridor, and maybe the very important point for two sides is Chabahar. So we are talking about a trilateral agreement between Iran, India and Afghanistan on transit, which gives a new opportunity to the Afghanistan for their developments, economic developments. They will have a very easy access to free sea, which makes the life for them more easier. Ambassador Ghulam Reza Ansari, thank you very much for talking to Rajya Sabha TV. Thank you very much and wish you the best. भारत और ईरान के बीच जहां आर्थिक विकास को मजबूत करने के लिए अहम समझौते हुए, तो वहीं सांस्कृतिक संबंधों को लेकर भी कई मसलों पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री ने तेहरान में भारत और ईरान के ऐतिहासिक रिश्तों पर एक सम्मेलन का उद्घाटन भी किया। Thank you.
ईरान यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के बीच पुराने सांस्कृतिक रिश्तों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उतार चढ़ाव के गवाह रहे दोनों देश ऐतिहासिक रिश्तों को अलग मुकाम पर पहुंचाने के लिए फिर एक साथ चल सकते हैं। प्रधानमंत्री ने सांस्कृतिक संबंधों पर आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की संस्कृति सदियों से एक दूसरे से जुड़ी रही है। सम्मेलन का आयोजन सूफीवाद और संस्कृति को बढ़ावा देने के मकसद से किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने फारसी पांडुलिपि भी जारी की। इस आयोजन में दोनों देशों की बड़ी हस्तियों ने हिस्सा लिया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पारसी भाषा विभाग के पूर्व चेयरमैन अजरमी दुख्त सफवी और दिल्ली विश्वविद्यालय के पारसी भाषा विभाग के प्रमुख चंद्रशेखर ने सांस्कृतिक समझौतों के बारे में जानकारी दी। इन लोगों ने बताया कि किस तरह दोनों देशों के संबंध मजबूत होंगे। अगर हम एक बार फिर से उन रिश्तों को देखें, उन कल्चरल टाइज को, सकाफती रिश्तों को देखें जो सदियों से, तकरीबन कबल मसीह से हिंदुस्तान और ईरान के बीच में रहे हैं, और इसका आगाज़ तो शायद ख़ुद कलीलाबाद इमना से हुआ था, जिसको नौशीरवां का वज़ीर आकर हिंदुस्तान से ले गया और वो ईरान में इतना पॉपुलर हुआ कि उसके यके बाद दीगरे कई तर्जुमे हुए और आज भी वो ईरान में उतना ही पॉपुलर है। दिवसीय कॉन्फ्रेंस का असल उद्देश्य है कि हम हमारे आर्ट, लिटरेचर, कल्चर, फाइन आर्ट्स, आर्किटेक्चर और ऐसे तमाम विषय जिनमें भारत और ईरान का सदियों पुराना सहयोग रहा है, उसको हम रेट्रोस्पेक्ट के तौर पर उसके माजी को देखने के लिए हम विभिन्न विश्वविद्यालयों, चाहे वो ईरान से हों या भारत से हों, उनसे हम बातचीत करते हुए उनके आगे का क्या भविष्य में इस सहयोग हो सकता है उसके बारे में बातचीत करें। तेहरान में एकमात्र गुरुद्वारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माथा टेका। भारत और ईरान के सांस्कृतिक रिश्तों में इस गुरुद्वारे का काफी अहम योगदान है। गुरुद्वारे के प्रबंधन का जिम्मा 100 साल पहले तेहरान आए एक सिख परिवार के पास है। ट्रेडिशनली इंडियंस हैं जो यहाँ शुरू से 50 साल से 60 साल से, ये थर्ड जनरेशन है जो आपके सामने बैठे हुए हैं। मैं सेकंड जनरेशन से हूँ। तो आप लोग क्या नागरिकता यहाँ की ले चुके हैं या भारतीय हैं? हमारे में काफ़ी सारों ने, जो जवान हैं इनमें सब ईरानी भी हैं, पर हम अभी तक भारतीय हैं। अजमेर शरीफ और हजरत निजामुद्दीन के दरगाह को भारत जितना सम्मान ईरान में भी मिलता है। इससे दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंधों की मजबूती का अंदाजा लगाया जा सकता है। कुर्बान अली, राज्यसभा टीवी। भारत और ईरान के बीच सामरिक, व्यापारिक और सामाजिक रिश्तों का काफी पुराना इतिहास है। ईरान का परमाणु को लेकर समझौता भारत के हित में है। इससे न सिर्फ भारत और ईरान के बीच व्यापार सुधरेगा बल्कि दोनों देश साथ मिलकर एशिया को नई दिशा देने में सक्षम हैं। भारत और ईरान के बीच सामाजिक, आर्थिक और व्यापारिक सहयोग का इतिहास काफी पुराना है। भारत चीन के बाद ईरान से तेल का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश है। दोनों देशों के बीच 2014-15 में द्विपक्षीय व्यापार तकरीबन 9 खरब रुपए से ज्यादा का रहा। ईरान जहां भारत की ऊर्जा जरूरतों के बड़े हिस्सों को पूरा करता है, तो वहीं वो भारत से दवा, भारी मशीनरी, कलपुर्जे और अनाज का बड़ा आयात करता है। सामरिक तौर पर दोनों देश एक दूसरे के सहयोगी रहे हैं। अफगानिस्तान, मध्य एशिया और मध्य पूर्व में दोनों देशों के साझा सामरिक हित भी हैं। राजधानी तेहरान में दूतावास के अलावा ईरान के जहेदान और बंदर अब्बास शहर में भारतीय वाणिज्यिक मिशन है। परमाणु कार्यक्रम विवाद का असर दोनों देशों के रिश्तों पर भी रहा है। भारत ने 2005 में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी में ईरान के खिलाफ वोट किया। ईरान ने भारत पर अमेरिका के दबाव में होने का आरोप लगाया। 2009 में भारत ने ईरान पाकिस्तान भारत गैस पाइपलाइन परियोजना से पीछे हटने का फैसला किया।
2010 में भारत ने चाबहार परियोजना में निवेश से भी हाथ खींच लिया था। 2013 में अमेरिकी प्रतिबंधों के मद्देनजर भारत ने ईरान से तेल आयात में कटौती भी की। प्रतिबंधों की मार दोनों देशों के व्यापार पर भी पड़ी। बैंकिंग परियोजनाओं के चलते ईरान को तेल के लिए भुगतान का बड़ा हिस्सा भारत पर बकाया है, जिसे बदले माहौल में भारत तेजी से चुकाना चाहता है और इसकी प्रक्रिया तेज हो गई है। जब ईरान पर ये काफ़ी बड़े निर्बंध सैंक्शंस आ गए, जो अमेरिका और जो पाश्चिमात्य राष्ट्रों ने जो लगाए न्यूक्लियर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से, तो उसके कारण तो पूरा व्यापार बंद हो गया। करीब करीब तेल की हमारी जो वहाँ से आयात थी भी बहुत कम हो गई और रिश्ते बहुत मामूली हो गए थे। तो ये बढ़ाना बहुत आवश्यक था क्योंकि ईरान मध्य पूर्व में पश्चिम एशिया में बहुत बड़ी शक्ति है। अब ईरान पर से आर्थिक प्रतिबंध हट चुके हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ईरान के तेल और गैस बेचने का रास्ता भी साफ हो चुका है। दुनिया के चौथे सबसे बड़े तेल आयातक भारत को इसका सीधा फायदा मिलेगा। भारतीय कंपनियां ईरान में भारी निवेश की संभावनाएं देख रही हैं। भारतीय कंपनियां वहां तेल रिफाइनरी, दवा, फर्टिलाइजर और निर्माण क्षेत्र में पैसा लगाएगी, जो आर्थिक प्रतिबंधों के चलते मुमकिन नहीं हो पा रहा था। परमाणु कार्यक्रम पर भारत ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के रुख के साथ खुद को जोड़े रखा, लेकिन प्रतिबंध हटने के बाद भारत ज्यादा खुलकर ईरान से अपने रिश्ते बढ़ा रहा है। ये भारत के लिए ईरान से व्यापारिक और दूसरे द्विपक्षीय मसले मजबूत करने का सही मौका है। विक्रम सिंह के साथ प्रशांत पांडे, राज्यसभा टीवी। विशेष में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अहम घटनाक्रम जानने के लिए आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।